यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहां की पावन भूमि वनों समुद्रों रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार आदाब गुड इवनिंग, मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग स्वागत करता हूं आप सभी का इस अद्भुत शो भारत दर्शन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड पर। दोस्तों यूं तो मौका मिलने पर आप सभी अवश्य ही घूमने निकल जाते होंगे, परंतु भारत दर्शन की इस रोमांचक यात्रा पर हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे भारत के दर्शन पर जो अपनी विरासत का अभिन्न अंग होने के बावजूद भी आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। दोस्तों कर्नाटक राज्य के बैंगलोर शहर जो उसकी राजधानी भी है से 157 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रवणबेलगोला, जो अपनी गोमतेश्वर बाहुबली की विश्व विख्यात प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। साथियों श्रवणबेलगोला का नाम सुनते ही आप सभी को पर्वत की चोटी पर स्थित भगवान बाहुबली की प्रतिमा का स्मरण हो आया होगा, किंतु एक रोचक तथ्य यह भी है कि श्रवणबेलगोला के निचले हिस्सों तथा आसपास के इलाकों में कुछ ऐसे अद्वितीय स्थान आज भी मौजूद हैं जो अति भव्य व अलौकिक होने के बावजूद भी अब तक सुर्खियों में अपना स्थान नहीं बना पाए हैं। इन स्थानों पर पाई गई है सहस्त्रों वर्ष पुरानी मूर्ति कला तथा वॉल्स पर फ्रेस्कोज यानी भित्ति चित्रों के कुछ ऐसे नायाब नमूने जिन्हें देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं श्रवणबेलगोला के लिए। So fasten your seat belts as we are ready to go. रास्ता बेहद सुंदर है व आकाश बादलों से आच्छादित है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। साउथ की पहचान है नारियल के वृक्ष जो यहाँ की संस्कृति का भी एक अभिन्न अंग है। दोस्तों तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं कोकोनट ट्री प्लांटेशन में। सड़क के दोनों ओर खड़े नारियल के वृक्ष लगता है मानो हमारा ही स्वागत कर रहे हैं। हम आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाते हैं। साथियों सड़क के दोनों तरफ बस्ती की जगह हरे भरे वृक्षों को देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। यह नज़ारा आजकल कम ही देखने को मिलता है क्योंकि अर्बनाइजेशन अर्थात शहरीकरण के कारण वृक्षों की जगह इमारतों ने ले ली है। इसी के साथ प्रकृति के नाम भारत दर्शन का संदेश, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप प्रतिवर्ष अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाकर अपने आसपास के इलाकों को हरा भरा बनाने में सहयोग दें, जिससे प्रदूषण में कमी आए और हमारा वातावरण शुद्ध व स्वच्छ बना रहे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वृक्ष एक फायदे अनेक। सामने दिखाई दे रहा है श्रवणबेलगोला का बाहरी इलाका, तो लीजिए हम पहुँच गए हैं श्रवणबेलगोला। सामने हम देख रहे हैं विंध्यगिरी पर्वत जिस पर बाहुबली भगवान की सुप्रसिद्ध प्रतिमा स्थापित है, परंतु स्मरण रहे कि हमें तो अनछुए स्थलों को देखने हेतु निचले इलाकों की ओर जाना है। दोस्तों रास्ते में सजी हुई दुकानें तथा लोकल मार्केट काफी आकर्षक लग रहा है। 350 से 1000 AD अर्थात आज से लगभग 2 से 3 हजार वर्ष पूर्व इन इलाकों में वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी यानी पश्चिमी गंगा साम्राज्य का राज था। दोस्तों कहा जाता है कि गंगा शासक सभी धर्मों को समान रूप से आदर देते थे, किंतु जैन धर्म के संरक्षण व प्रतिपालन को उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया। इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ श्रवणबेलगोला तथा उसके आसपास के इलाके जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों में से थे। गंगा शासकों का कला व फाइन आर्ट्स की ओर विशेष झुकाव था, जो यहाँ के मंदिरों की मूर्ति कला व दीवारों पर फ्रेस्कोस के रूप में साफ देखा जा सकता है। यहाँ की स्थानीय भाषा में प्लेसेस ऑफ वर्शिप अर्थात मंदिरों को बस्ती के नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जो मठ की बस्ती या श्रीमठ अथवा मथाडा बस्ती के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। साथियों आपको बताना चाहूँगा कि इस बस्ती अर्थात टेम्पल का निर्माण चामुंडराय ने 940 से 989 AD के मध्य करवाया था और अपने गुरु नेमिचंद्र देव जी को यहीं प्रतिस्थापित किया। बाद में 18वीं सदी में मठ की बस्ती का जीर्णोद्धार हुआ। इस मंदिर की दीवारों पर पाए जाते हैं कुछ अत्यंत सुंदर प्राचीन फ्रेस्कोज अर्थात भित्ति चित्र, जिनमें कई यक्ष यक्षिणियां, मुनियों के अरण्य निवास, पार्श्वनाथ भगवान का संवत्सरण, नेमिनाथ जी व पंच परमेष्टियां तथा राजा तृतीय कृष्णराज ओडेयर जी का दरबार आदि सुशोभित है। साथियों चामुंडराय गंगा शासकों के सेनापति व दरबार में आमात्य थे। कहा जाता है कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे
और कला के प्रति उनका विशेष लगाव था। उनका कला के प्रति समर्पण यहाँ इस मंदिर के स्थापत्य में स्पष्ट दृष्टिगोचर है। हम अब प्रवेश कर रहे हैं इस सुंदर मंदिर के अंदर। दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मठ के मध्य भाग में एक खुला आंगन होने का संकेत है, लेकिन बाद में इसे बंद करके ऊपर एक मंजिल का निर्माण करा दिया गया था। जरा नजर ऊपर करिए और इस सुंदर मूर्ति कला को देखिए। हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर मध्य में स्थित भगवान पार्श्वनाथ की सुंदर मूर्ति। पत्थरों पर कलाकारी का बेजोड़ कार्य है। भगवान पार्श्वनाथ के शीर्ष पर नाग का फन देख रहे हैं। दोस्तों, गौर करिए कि यहाँ नाग के 5 सिर हैं, जो इस प्रतिमा को सबसे अलग बनाते हैं, क्योंकि अक्सर भगवान पार्श्वनाथ के शीर्ष पर स्थित नाग के 3, 7 अथवा 11 ही सिर होते हैं। यह अद्भुत तथ्य है साथियों। जरा ऊपर दीवार पर बने हुए इस गंड बरुंड के चिन्ह पर ध्यान दीजिए दोस्तों। यह 2 सिरधारी एक माइथोलॉजिकल पक्षी है, जिसे हिंदू धर्म में चमत्कारी शक्तियों का धारक माना जाता है। यह पक्षी मैसूर के ओडेयर साम्राज्य का शाही राजचिन्ह भी था दोस्तों, तथा कई हिंदू मंदिरों में इसे इंट्रिकेटली स्कल्पचर्ड मोटिव अर्थात जटिल मूर्ति कला के चिन्ह के रूप में भी देखा जा सकता है। ऊपर स्थित ये स्कल्पचर्स तो वाकई नैनाभिराम हैं, वह इस मंदिर को अनूठा बनाते हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ की दूसरी अद्भुत विशेषता, यानी यहाँ की दीवारों पर भित्ति चित्र। कैमरे को नाइट विजन में ही टर्न रखते हैं, जिससे इन भित्ति चित्रों को प्रकाश से कोई हानि ना पहुंचे। मित्रों, पहले भित्ति चित्र में हम देख रहे हैं 7 ट्रंक्स अर्थात सूंड वाले एरावत हाथी को। यह वर्षा के देवता इंद्रदेव का वाहन है। वह सफेद रंग का है। हम देख रहे हैं नाचते व वाद्य यंत्रों को बजाकर जश्न मनाते हुए लोग। यह जश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव या भगवान आदिनाथ के राज्याभिषेक का। अगले फ्रेस्को में हम देख रहे हैं एक मुनि जो अपनी साधना के लिए जंगल में विराजमान है। जंगली जानवरों की उपस्थिति भी उनका ध्यान अपनी साधना से नहीं हटा पाती। अद्भुत दृश्य है दोस्तों। इन फ्रेस्कोज में अब हम पंच परमेष्ठियों तथा जैन धर्म की कथाओं का चित्रण देख सकते हैं। इस फ्रेस्को में हम देख रहे हैं संवत्सरण। यह आध्यात्मिक प्रवचन भवन होते हैं दोस्तों, जो जैन तीर्थंकरों के सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लेने पर प्रवचन करने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये प्रवचन ऐसी भाषा में दिए जाते थे जिसे जानवर व इंसान दोनों ही सहज रूप से समझ जाते थे। इन भित्ति चित्रों में जैन धर्म से रिलेटेड अनूठा संसार छिपा हुआ है। इन्हें पेंट किया गया है पिगमेंट्स, वेजिटेबल डाइज व पत्थर के चूरे तथा कोयले से। यह तो वाकई काबिले तारीफ है दोस्तों। हम देख रहे हैं भगवान का अभिषेक। पहले जल से अभिषेक किया जा रहा है। जल के बाद अब भगवान का अभिषेक किया जा रहा है दूध से। अद्भुत दृश्य है दोस्तों। प्रभु की आरती का नजारा अलौकिक है। अब पुष्पों को भगवान को अर्पित किया जा रहा है। तथा समाप्ति पर वापस जल से अभिषेक किया जा रहा है। ऐसे अनूठे नजारे तो कम ही देखने को मिलते हैं दोस्तों। वाकई अद्भुत है।
इस मंदिर में तीन गर्भगृह अर्थात तीन सैंक्टम सैंक्टोरम हैं। हम देख रहे हैं जैन धर्म के आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु स्वामी की अलौकिक मूर्ति। असीम शांति का अनुभव हो रहा है यहाँ पर। यहाँ तीसरे गर्भगृह में हम देख रहे हैं जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी की यक्षी श्री कुष्मांडिनी देवी को, जिन्हें अंबिका देवी के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जैन धर्म में हर तीर्थंकर के संरक्षण व देखभाल हेतु यक्ष और यक्षी का जोड़ा गार्जियन डीटीज की तरह होता है। इस मंदिर से बाहर निकलने को तो दिल ही नहीं कर रहा है दोस्तों। यहाँ के भित्ति चित्र हमें बारंबार अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। साथियों, आज हमने गंगा डायनेस्टी की उत्कृष्ट मूर्तिकला व फ्रेस्कोज देखी। यह फ्रेस्कोज और क्राफ्टेड स्कल्पचर्स मठ की बस्ती को अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस बेहद भावपूर्ण यात्रा को यही विराम देते हैं। अगले हफ्ते श्रवणबेलगोला के कुछ अन्य अनएक्सप्लोर्ड स्थल देखेंगे। भारत दर्शन पर आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर दिए हुए पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है 4/12 मालवीय नगर, जयपुर 17। हमें ईमेल करें info@sukhnidhi.com पर। तो अब मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग आपसे विदा लेता हूँ, अगले हफ्ते आपको एक नई यात्रा पर ले जाने के वादे के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय टिल वी मीट अगेन।